Hello friends, welcome back to my channel Online Gurukul. Today I am going to teach you how to learn vocabulary in fun way. बिल्कुल सही सुना आपने, fun way में vocabulary को कैसे याद करें, इस वीडियो में हम यह सीखेंगे. If you are preparing for any of the government exam, whether it is SSC, banking, teaching, any, you have to learn a lot of vocabulary. बहुत सारी vocabulary याद करनी पड़ेगी. क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जो vocabulary है, इंग्लिश सेक्शन जो है काफी मार्क्स का आता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में. अब इतनी सारी वोकैबुलरी हमें याद नहीं होती है, मतलब याद तो हो जाती है लेकिन कुछ टाइम बाद स्किप होने लगती है. तो हम कुछ ट्रिक्स के साथ इस वीडियो में वोकैबुलरी को लर्न करने की कोशिश करेंगे. मतलब एक वर्ड होगा, उस वर्ड से ही हम जो उस वर्ड के अंदर से ही तीन चार वर्ड ब्रेक कर एक सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, ताकि जो वो वर्ड है वो भी आपके दिमाग में, आपके माइंड में फिट हो जाए और जो उस वर्ड का मीनिंग है वो भी सेंटेंस के साथ ही आपको याद हो जाए. इस वीडियो को बनाने में काफी एफर्ट लगा है. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना. आपको इस वीडियो में कुछ नहीं करना है, बस ना कॉपी लेना है ना पेन लेना है, इस वीडियो को सुनना है. मैं गारंटी लेती हूँ कि इस वीडियो में जितने भी मैं वर्ड्स पढ़ाऊंगी आप बिल्कुल एक्टिव मोड में सुनोगे तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में वो वर्ड्स जगह बना लेंगे. सो लेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले. जो फर्स्ट वर्ड है वो है एब्रोगेट. अब एब्रोगेट का मीनिंग होता है रद्द करना, लेकिन अब इसे याद कैसे करें? अब इसको याद करने की ट्रिक है, अब जो एब्रोगेट है इसी को हम ब्रेक कर लेंगे तीन वर्ड्स में. अब जैसे अब प्लस रो प्लस गेट, अब प्लस रो प्लस गेट तीनों मिलकर क्या बन गया? एब्रोगेट. मतलब अब रो गेट पर, क्योंकि तुम्हारा एडमिट कार्ड तो रद्द हो गया है, एब्रोगेट हो गया है, अब तो तुझे रोना ही पड़ेगा गेट पर बैठकर, क्योंकि जो एडमिट कार्ड है वो रद्द हो गया, अब तुम एग्जाम नहीं दे सकते. तो अब प्लस रो प्लस गेट एब्रोगेट, रद्द हो जाना किसी चीज का. सेकंड वर्ड है एवेराइज. अब एवेराइज का जो मीनिंग होता है वो होता है ग्रीड, लालच. अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, अवे प्लस राइज. अब किसी किसी को जो राइज का है ना बहुत लालच होता है भाई, प्लेट भरकर बैठ जाते हैं, तो जो दूसरा बंदा है वो उसको ऐसे ही तो बोलेगा अवे. अबे मतलब अवे हो गया, राइस. अवे राइस को लेकर कितना लालच करते हो तुम कि प्लेट ही भरकर बैठ गए हो. तो अवे प्लस राइस इज इक्वल टू ग्रीड, लालच. अवे राइस को लेकर कितना लालच है तुम्हें जो प्लेट भरकर बैठ गए हो. तो अवे राइस का मतलब हो गया ग्रीड. थर्ड वर्ड इज चोर्टल. अब चोर्टल को हमने चोर प्लस टल दो पार्ट में डिवाइड कर लिया. जब चोरी टल जाती है तो कैसी फीलिंग आती है? खुशी भरी मुस्कान आती है ना चेहरे पर, भाई टल गई चोरी, जो मेहनत की कमाई थी वो हमारे पास ही है, कोई लेकर नहीं गया. तो चोर प्लस टल चोरटल, चोर टल गया, चोरी टल गई, इसलिए सब चोरटल कर रहे हैं. चोरटल कर रहे हैं मतलब खुशी की मुस्कान आ गई सबके चेहरे पर. अब जो चोरटल है उसका सिनोनियम गिगल भी होता है, तो आप इसको यहाँ पर याद कर सकते हो, चोरी टल गई इसलिए सब चोरटल कर रहे हैं, सब गिगल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? गिगल. चोरटल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चोरी जो है वो टल चुकी है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज गेल. अब गेल का मतलब होता है तूफान, स्टॉर्म. अब आप क्रिस गेल को तो जानते ही होंगे भाई, सब जानते हैं क्रिस गेल को, कौन नहीं जानता. जब वो मैदान में आता है तो चौके छक्के जब मारता है तो तूफान आ जाता है, आता है या नहीं आता? तो जब क्रिस गेल मैच में आया तो तूफान लेकर आया, तो गेल से आप इजीली याद कर सकते हैं तूफान, क्योंकि जब गेल, क्रिस गेल मैच खेलने के लिए मैदान में आएंगे तो वो चौके छक्के मार के तूफान को ले आएंगे साथ में. तो गेल इज इक्वल टू स्टॉर्म, स्टॉर्म. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट. अब एब्डिकेट को हमने कैसे ब्रेक करा है? अब प्लस डी प्लस केट, मतलब कैट. अब दी कैट के एंट्रेंस में नहीं बैठेंगी, बैठना त्याग देंगी. अब क्यों त्याग देंगी भाई? इतनी बार फेल हो जाएंगी तो शर्म के मारे त्याग ही देंगी ना. तो जो अब डी केट, अब दी कैट के एंट्रेंस में बैठना त्याग देंगी. तो जो एब्डिकेट का मीनिंग होता है वो पद त्याग देना. क्या होता है? पद त्याग देना. ट्रिक है अब प्लस डी प्लस केट, अब दी कैट के एग्जाम में बैठना त्याग देंगी. त्याग देंगी मतलब नहीं बैठेंगी, अब फेल इतनी बार हो गई है ना इसलिए. तो एब्डिकेट इज इक्वल टू त्याग देना किसी चीज को, पद को त्याग देना. नेक्स्ट इज कॉन्फिस्केट. कॉन्फिस्केट का मतलब होता है सीज कर लेना किसी चीज को, जब्त कर लेना. अब इसको कैसे याद करें? हम इसको हमने तीन वर्ड्स में ब्रेक कर लिया, कॉन प्लस पी प्लस केट.
मतलब कौन फी कैट में हमको नहीं दिया है उसका सामान सीज कर लो। अब तुम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हो और वहां पर जो कैट मैम बिठा रखी है वहां पर लोगों ने, मतलब जो ओनर है उसका इंस्टीट्यूट का, कि तुम्हें फीस लेनी है। अब कौन फी कैट मैम को नहीं देगा? जो फीस नहीं देगा कैट मैम को, उसका सामान तो सीज करेंगे ही भाई, वो अपनी भरपाई तो करेंगे किसी तरीके से। तो कौन फी कैट मैम को नहीं दिया उसका सामान जब्त कर लो, कॉन्फिस्केट, उसका सामान कॉन्फिस्केट कर लो, उसका सामान सीज कर लो। तो कौन फी केट, कॉन्फिस्केट इज इक्वल टू सीज, जब्त कर देना। नेक्स्ट इज लीद। अब जो लीद होता है उसका मतलब होता है मुलायम। तो मुलायम जी को तो कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है ना भाई मुलायम जी को। जो हमारे मुलायम जी बड़े ही मुलायम है, जो हमारे मुलायम जी हैं वो बहुत ही लीद है, लीजम है, सप्पल है। अब जो लीजम और सप्पल है वो इसके सिनोनियम हो गए लीद के। तो लीद लीजम सप्पल, लीद लीजम सप्पल, चार पांच बार बोलोगे तो एक लय बन जाएगी, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा लीद लीजम सप्पल। तो जो लीद का मतलब हुआ मुलायम, हमारे मुलायम जी बड़े ही मुलायम है, हमारे मुलायम जी बड़े ही लीद है, हमारे मुलायम जी बड़े ही लीजम है, हमारे मुलायम जी बड़े ही सप्पल है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो लीद वर्ड को। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एनोडाइन। अब एनोडाइन का मीनिंग होता है पेन किलर। अब कैसे याद करें इसको, एनो से अन्नु, डायन से डायन। अब तुम्हारी, अब सपोज अन्नु डायन नहीं है, पीड़ा नाशक है। अब तुम अपनी मम्मी को बोलोगे कि जो अन्नु है वो डायन नहीं है मम्मी, वो पीड़ा नाशक है, पेन किलर है, वो हमारे लिए तो पेन किलर ही हो गई। तो जो एनोडाइन का मतलब है उसका मतलब पेन किलर हो जाएगा, पीड़ा नाशक। नेक्स्ट इज ब्लाइट। अब जो ब्लाइट होता है वो होता है स्पॉइल कर देना, किसी चीज को रुइन कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अब लाइट के अभाव में हमारा करियर ब्लाइट हो गया। अब भैया जहां लाइट नहीं आएगी वहां बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ेगा नहीं तो करियर जो ब्लाइट ही होगा, स्पॉइल ही होगा, डिस्ट्रॉय ही होगा। तो जो ब्लाइट का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, लाइट के अभाव में हमारा करियर ब्लाइट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, स्पॉइल हो गया। अब नेक्स्ट इज ब्रॉल। अब जो ब्रॉल होता है नॉइजी क्वेरल, झगड़ा जब हो जाता है ना, दैट इज ब्रॉल। अब ब्रॉल से मतलब शोल, सेम सेम साइन का साउंड कर रहा है ना, ब्रॉल शोल। तो जो नहीं मिल रहा शोल इसलिए कर रहे हैं सब ब्रॉल। अब शोल नहीं मिलेगा, सपोज तुम्हारी मम्मा ने तुमसे शोल मांगा और तुम नहीं मिल रहा है तो तुम मना कर रहे हो, तो तुम्हारी मम्मा जो है तुम्हारे साथ ब्रॉल ही तो करेंगी, लड़ेंगी ना, झगड़ा करेंगी, केक काम दिया वो भी नहीं हो रहा तुमसे, ब्रॉल, नहीं मिल रहा शोल इसलिए कर रहे हैं ब्रॉल। तो जो ब्रॉल का मतलब है नॉइजी क्वेरल, झगड़ा। नेक्स्ट इज इंस्पिड। अब जो इंस्पिड का मीनिंग होता है स्वादहीन, फेवरलेस। अब इसको जैसे इंस्पिड, इन्नी स्पीड, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, इतनी स्पीड, इन्नी स्पीड से खाओगी तो सब टेस्टलेस ही लगेगा ना। अब फटाफट फटाफट हम कुछ खाए जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं मुंह के अंदर, लेकिन अगर हम ऐसे फटाफट काफी जब आइटम अपने मुंह में ले लेते हैं तो क्या होता है वह टेस्ट कहाँ पता चलता है, बस खा रहे हैं अंदर जा रहा है। अगर स्पीड से खाएंगे, इन्नी स्पीड से खाओगे तो सब कुछ लगेगा ही टेस्टलेस, फ्लेवरलेस। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।